क्या लगता है कि ये लड़ाई दो सांप्रदाय की है, दो प्रांतों की है, या फिर ये राजनीतिक लड़ाई है? जैसा मैंने कहा, ये लड़ाई सरकार की जंगल की जमीन खरीदने की मंशा की है, क्योंकि वहाँ आरएसएस है जो सांप्रदायिकता का खेल बहुत अच्छे से खेलती है। मैती में बहुत सारी संख्या में हिंदू लोग मौजूद हैं, उसने इस पूरे सवाल को सांप्रदायिक रंग देकर भड़काने का प्रयास किया है, ताकि सांप्रदायिक रंग देकर भड़के। और जो असली सवाल है कि वहाँ का सवाल तो जंगलों पर कब्जा करने का भरोसा कंपनी को सपना होती है, छुट्टा और लोग आपस में ही धर्म के आधार पर लड़कर एक दूसरे को मारते रहे। देखिए, जहाँ पर हिंदुस्तान में वैसे भी पीएसयू बेचने की घोषणा हो चुकी है, असल में जंगल बेचने की भी घोषणाएं हो चुकी हैं और जंगल लूटने की भी निराधार घोषणाएं हैं, जंगल खाली करने का, क्योंकि हिंदुस्तान भर में जंगल पे लड़ाई हो रही है। मैं इंडियन फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन से हूँ, हमारे सदस्य आदिवासी जो खदानों वगैरह में काम करते हैं, है ना, वो रहते भी उन्हीं जंगलों में हैं, वो भी बताते हैं हमें जंगल पे प्रहार है। इसी तरह से मणिपुर में भी वो जो जंगल है उसमें मणिपुर के अल्पसंख्यक रहते हैं, पर वो कबीलाई लोग हैं, राइट, जो ट्राइबल लोग हैं, जो कुकी, जो बार वगैरह है, उस जंगल के ऊपर नजर है। उसमें से ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर अनाउंस हुआ है, उसके अंदर से ये अनाउंस हुआ है कि टाइगर सेंचुरी बनेगी, उस जमीन के नीचे बताया है कि कितने सारे खदान उसके नीचे हैं। असल में जंगल को टेक ओवर करने के लिए हिंदुस्तान भर में अगर हम देखें, बहुत जगह बहुत तरह से कोशिशें जारी हैं, उड़ीसा में भी ऐसा ही है, और ये भी एक और इलाका है यहाँ पे। और भी भयंकर ये बात है कि देखिए, सर कौन जिम्मेदार है शांति के लिए? कोई भी कहेगा ना, सरकारें जिम्मेदार हैं, ना फोर्सेस जिम्मेदार हैं, ना जनता के तबके जिम्मेदार हैं। अगर कहीं पर कुछ हो रहा है तो ये कहकर कि एक कौम दूसरे कौम से लड़ रही है, एक जमात दूसरे जमात से लड़ रही है, ये सब दिखावटी कारण है, ये सब कुछ नहीं है, ये सरकारी नीयत का सवाल है। हम समझते हैं कि अगर दोनों केंद्र और राज्य सरकारें चाहें, ये डबल इंजन की सरकार है, एक रात में शांति आ सकती है, परंतु नियत होनी चाहिए शांति को स्थापना करना। मैम, जिस तरीके से मणिपुर में महिलाओं के साथ जो हिंसा हुई है, आपने देखा होगा वो क्लिप वायरल हुआ, आप ये सोचिए कि वो दो तीन महीने पुराना वीडियो यहाँ वायरल हुआ, तब तक वहाँ क्या क्या घटित हो चुका था जो कि बाहर नहीं आ रहा है, तो इसका जिम्मेदार आप किसको मानती है और क्या लगता है कि कब इंसाफ मिलेगा उन महिलाओं को? इसका जिम्मेदार सरकारें हैं, क्योंकि यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक है, तो केंद्र सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इसका जवाब ये नहीं है कि उस प्रांत में भी होता है और उस प्रांत में भी होता है, जिस प्रांत में भी होता है इसका हमें जवाब चाहिए। मैं महिला आंदोलन के साथ भी हम लोग रहते हैं, हम उन आंदोलन लड़ाइयों में रहे, हम हिसार के विक्टिम के लिए भी लड़ते हैं, कथुआ के विक्टिम के लिए भी लड़ते हैं, सब जगह इसमें इंसाफ होना चाहिए। सरकारों की जिम्मेदारी है, सरकारों को हिंदुस्तान की महिलाओं को जवाब देना पड़ेगा और इसके जुल्मियों को सजा होनी पड़ेगी। क्या वजह रही है कि अभी तक आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार जिम्मेदार मानते हैं आप लोग, लेकिन अभी तक कोई भी केंद्र सरकार से मणिपुर नहीं गया है, क्या लगता है आपको कि क्यों नहीं गया है? क्या उन्हें अपना कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं लगता वहाँ पे, या वो वही जाएंगे जहाँ हिंदू मुस्लिम का मुद्दा होगा या राजनीतिक मुद्दा होगा? देखिए, ये आप जवाब दीजिए, ऐसा नहीं है कि वो नहीं गए, अमित शाह जाते रहते हैं, पर प्रॉब्लम ये, अमित शाह जाते हैं लेकिन वहाँ के लोगों के लिए तो कुछ नहीं करते ना, कुछ नहीं करते हैं। और दूसरी बात ये है कि और भी भयंकर बात जो है कि सरकारें एक पूरे तबकों को बिल्कुल अबैंडन कर देती है कि भाई ये हमारे जैसे कि नागरिक ही नहीं है, तो ये तो जनता के ऊपर है, जनता के आंदोलनों को विकसित करते हुए मांग करनी पड़ेगी। मणिपुरी के साथी लोग भी लड़ रहे हैं, मणिपुर के लोग भी लड़ रहे हैं, बाकी लोग भी लड़ रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए सरकारों की, और महिला आंदोलन को बहुत विकसित होने की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ यहाँ नहीं, बहुत सारी जगह हमें अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। क्या वजह रही है कि अमित शाह बार बार जाते रहते हैं मणिपुर लेकिन वहाँ के लिए कोई आवाज नहीं उठाता है केंद्र सरकार में कोई भी? देखिए, वजह तो ये है कि दरअसल ये पूरा का पूरा खेल ही केंद्र सरकार का है। जो मणिपुर में हिंसा हो रही है, बिना केंद्र सरकार के शह के और एक्टिव सपोर्ट के संभव नहीं थी, क्योंकि हिंसा का मेन मकसद वहाँ के जंगलों के नीचे पड़े खनिज हैं, जो ये बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी और देश के बड़े कॉरपोरेट सेक्टर को देना चाहती हैं। उस पूरे चक्कर में बहुत घटिया तरीके से ये जनता को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करके लड़ा रही है, तो लड़ाना इनका, ये खुद ही लड़ा रहे हैं तो शांति तो इनसे अपेक्षा करना कि ये शांति कराएंगे एकदम ही गलत है, क्योंकि चाहते हैं लड़कर अंततः वो जमीन से कुकी लोग बेदखल हो जंगल में, क्योंकि अधिकांश कुकी लोग रहते हैं और वो जमीन
अभी मैतिकों की लड़ाई है, लेकिन वो मैतिकों को भी अंतर नहीं मिलेगी, जाएगी कॉर्पोरेट सेक्टर के पास। जब ये इन्हीं का गेम प्लान है तो उससे हम उनसे कैसे उम्मीद करें कि उनकी बिजनेस शांति होगी? वो हम हर लोगों से मिल भी नहीं रहे, और जब जाते हैं अगले दिन और हिंसा भड़क जाती है। तो आप इसके लिए जो ये हिंसा हो रही है मणिपुर में, इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार सरकार को मानते हैं, केंद्र सरकार को? जी एकदम, केंद्र सरकार की प्रमुख जिम्मेदारी है वहाँ पर जो हो रहा है उसी का काम। तो अभी तक क्यों कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, क्यों केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है? मैं इसका जवाब दे चुका हूँ, केंद्र सरकार कुछ इसलिए नहीं कर रही है, उनका गेम प्लान है ये। वो चाहते हैं कि वहां से किस तरह से लोग आपस में लड़ते रहे और लड़कर वो जमीन छीनी जाए इन लोगों से, और असली दुश्मन कॉर्पोरेट सेक्टर को ना समझ के एक दूसरे का आपस में लड़कर ये मरते रहे, ये केंद्र सरकार का गेम है। तो क्यों शांति बहाल करना चाहिए? वो चाहती है वो यही खत्म हो जाए किस तरह से।